जो भगवान इतनी शक्ति रखता है, क्या उसके पास अपने को साकार बनाने की शक्ति नहीं है कि वो कहे भाई मैं तो रूप धारण करने की शक्ति नहीं रखता, इसलिए मैं केवल निराकार ही हूं। अगर ऐसा होगा तो वो सर्वशक्तिमान कहा कहलाएगा। अगर भगवान फैक्ट में सर्वशक्तिमान है तो उसके पास साकार बनने की शक्ति भी है। देखिए, भगवान ने ये संसार बनाया, कैसे बनाया? वेद कहता है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत आकाशाद् वायोर् वायोरग्निः अग्नेराप अदभ्य पृथ्वी पृथिव्याउषधय औषधीभ्योन्नम अन्नात् पुरुषः स वायेषु पुरुषोन्न रसमयः। सबसे पहले भगवान ने इस संसार में आकाश को प्रकट किया। आकाश माने खाली जगह। अगर कुछ बनाना है तो जगह होगी तभी तो बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले भगवान ने आकाश तत्व बनाया। अब ये आकाश निराकार है, आकाश को आप छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, रस नहीं ले सकते, सुन नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। आप जो देख के कहते हैं ना कि आकाश नीला है, ये तो दृष्टि भ्रम है। आकाश का कोई रंग नहीं होता, आपको नीला दिखता है। तो आकाश निराकार होता है। आकाश से फिर भगवान ने वायु बनाया। वायु में स्पर्श का गुण आ गया जो आकाश में नहीं था। वायु का आप स्पर्श करते हैं, ठंडी हवा चल रही है, स्वेटर पहन लो, ये वायु का स्पर्श हो रहा। यानी बाप में वो गुण नहीं था, बेटे में आ गया। वायु से भगवान ने अग्नि बनाई, अग्नि में रूप का गुण आ गया जो वायु में नहीं था। वायु को आप देख नहीं सकते, अग्नि को आप देख सकते। अग्नि से भगवान ने जल बनाया, जल में रस का गुण आ गया जो अग्नि में नहीं था। जल का आप रस लेते हैं, अग्नि का रस नहीं ले सकते। जल से फिर पृथ्वी बनी, पृथ्वी में सुगंधि का गुण आ गया जो जल में नहीं था। और पृथ्वी से औषधि इत्यादि उत्पन्न हुई तो सारा साकार संसार बन गया। तो ये साकार संसार की शुरुआत कहां से हुई? निराकार आकाश से। देखिए कमाल, वो निराकार आकाश को भगवान ने साकार संसार में परिवर्तित कर दिया। तो जो भगवान इतनी शक्ति रखता है, क्या उसके पास अपने को साकार बनाने की शक्ति नहीं है कि वो कहे भाई मैं तो रूप धारण करने की शक्ति नहीं रखता,
इसलिए मैं केवल निराकार ही हूं। अगर ऐसा होगा तो वो सर्वशक्तिमान कहाँ कहलाएगा? अगर भगवान फैक्ट में सर्वशक्तिमान है तो उसके पास साकार बनने की शक्ति भी है। जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया। उन्होंने कहा, यदा सशरीरताम संकल्पयति तदा सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरताम तदा त्वशरीरः, सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। उन्होंने कहा, यदि भगवान संकल्प करे कि मैं साकार बन जाऊं, वो साकार बन जाता। यदि वो संकल्प करे मैं निराकार बन जाऊं, वो निराकार बन जाता। भगवान के दोनों रूप हैं, निराकार भी हैं और साकार भी है। कई लोग शंकराचार्य के अनुयायी भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, किंतु शंकराचार्य तो स्वयं साकार भगवान की उपासना किए, चारों धामों में जाकर साकार भगवान की स्तुति की। शंकराचार्य जी जब बद्रिक आश्रम गए तो बद्री विशाल मंदिर में जब प्रवेश किए, दर्शन की इच्छा से दंग रह गए। बद्री विशाल भगवान का विग्रह गायब था और उनके स्थान पर एक शालिग्राम पड़ा हुआ था। तो शंकराचार्य जी ने पूछा पंडितों से कि भगवान का विग्रह किधर है। पंडितों ने कहा, महाराज, बौद्ध धर्म के प्रकोप के भय से हमने विग्रह का विसर्जन अलकनंदा में कर दिया। वो अलकनंदा जाके गंगा जी में मिलती है नदी, तो उसमें हमने विसर्जन कर दिया। शंकराचार्य जी ध्यान में बैठे और ध्यान में उनको दर्शन हुए विग्रह के। वे ध्यान से निकले तो उन्होंने पंडितों से कहा कि अगर हम वो विग्रह वापस कर दें नदी में से, क्या तुम लोग पुनः स्थापित करके उसकी पूजा करोगे? पंडितों ने कहा, महाराज, हमने खोजने का प्रयत्न किया, वो विग्रह अब मिलता ही नहीं। शंकराचार्य वो नदी के साथ साथ चले, एक जगह भंवर था, उन्होंने कहा मुझे यहां डुबकी लगानी। पंडितों ने कहा, महाराज, ये भंवर बड़ा तीव्र है, मत जाइए। वे सुने नहीं, डुबकी लगाकर और एक विग्रह पकड़ के पानी से बाहर आए। किंतु जब बाहर आए तो आश्चर्यचकित हुए, वो विग्रह की तीन उंगलियां कटी हुई थी। शंकराचार्य ने कहा, इसकी तो पूजा नहीं हो सकती, ये खंडित मूर्ति है, उसका विसर्जन कर दिए। फिर डुबकी लगाए, फिर एक विग्रह पकड़ के बाहर आए, फिर आश्चर्यचकित वो ही विग्रह उनके हाथ में फिर से आ गया। शंकराचार्य जी पुनः विसर्जन किए, फिर डुबकी लगा के फिर बाहर आए तो वो ही विग्रह तीसरी बार हाथ में आ गया। शंकराचार्य सोचने लगे, मैंने क्या देखा था ध्यान में, यहां पर क्या हो रहा है? उस समय आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा, चिंता मत करो, इसी स्वरूप में बद्री विशाल मंदिर में हमारी पूजा होगी, तुम इसी को स्थापित कर दो। तो उसी विग्रह की स्थापना की गई। अर्थात शंकराचार्य तो स्वयं साकार भगवान के उपासक थे। तो भगवान
निराकार भी है साकार भी है, वो अवतार लेकर आता है। किंतु अगर वो अवतार लेकर आता है, क्या उसका जन्म माँ के पेट से होता है? ये प्रश्न पैदा होगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।